जीरो हो जाएगा, और यहाँ से टेन इनवर्स 0.00 ही रहता है, और 1/2 लॉग, और साथ में लॉग 1, देन 1/1 अगेन 1, तो यहाँ पे आपके पास 1/2 देन लॉग 1/2 है यहाँ पे, तो ये बनेगा लॉग 2 बनेगा आई थिंक, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास -1/2 साथ में लॉग 2, और प्लस के लॉग सी बन जाएंगे बच्चों, क्या बन जाएंगे लॉग सी, तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, लॉग सी इज इक्वल टू ये प्लस के 1/2 लॉग 2 हो जाएंगे, और इसको हम लॉग टी रेस्ट ओवर एन लिख सकते हैं, तो ये लॉग सी इक्वल टू लॉग 2^1/2 हो सकता है, तो यहाँ से लॉग कैंसिल हो जाएगा और सी की वैल्यू अंडर रूट 2 आ जाएगी बच्चों। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, जो इक्वेशन 1 थी यहाँ पुट कर दीजिए, वो आपका फाइनल जो आंसर बन जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपके पास, लॉग मॉड एक्स इक्वल टू -tan−y/x−1/2 log(1+y²/x²) और साथ में log और साथ में अंडर रूट 2 बच्चों, ये आपका आंसर हो सकता है, आंसर किसी भी तरह से कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका ये जो मेथड है वो बिल्कुल सही होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब इसी तरह से जल्दी से हम एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं बच्चों आंसर क्या है इसका, और ये इसका प्रोसीजर जो है वो सही होना चाहिए, ठीक है। आंसर देखिए, आंसर में कुछ भी हो सकता है, आंसर में वो लॉग एम इंटू एन भी लगा सकते हैं, तो उससे नहीं आपने घबराना है। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा बच्चों, यहाँ पे दे रखा है dy/dx−y/x+cosecant और साथ में y/x=0 और साथ में दे रखा है वेन y=0 एंड x=1 बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बनाना क्या है, वही dy/dx हम बनाएंगे यहाँ पे, dy/dx हमें बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से dy/dx हमें बनाना है, तो ऐसा करते हैं इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएंगे y/x+k और यहाँ बन जाएंगे cosec(y/x)k, ठीक है। ये dy/dx है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और उसी तरह लेट y=vx हो जाएगा, यहाँ से dy/dx v+x dv/dx, ये क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा, तो फिर dy/dx इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, और साथ में ये बन जाएगा आपके पास dv/dx, y/x की वैल्यू v है, और यहाँ पे भी cosecant v जो है वो आपके पास बन जाएगा बच्चों, और इस v को जब